दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 250 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बातें को बताना चाहती हूँ। जो लोग मेरी नॉवल सीरीज के एपिसोड को देखा है तो उन लोगों को पता होगा, क्वीन रेंक्सु गॉड बनने के बाद वह स्टारडू फॉरेस्ट से जाकर जेली गेट की ओर निकल रही थी, तभी उसे जंगल में कुछ हलचल महसूस होती है, जिसे देखने के लिए जैसे ही वह वहाँ पर जाती है तभी उसे वहाँ पर टेंशन 315 टन एंस से लड़ता हुआ दिखता है। लेकिन हम अभी के एपिसोड को देखें तो इस सीन को स्टूडियो वालों ने टोटली चेंज किया है और यहाँ पर टेंशन को क्वीन रेंक्सु का तीसरी बाधा के रूप में चुना गया है, जिससे वो फाइट करके अपनी तीसरी बाधा को कम्प्लीट करना होगा और इसे कम्प्लीट करने के बाद ही क्वीन रेंक्सु गॉड बन सकती है। वैसे दोस्तों एंजल गॉड और टेंशन के दरमियान फाइट आपको आने वाली एपिसोड 251 में देखने को मिलने वाली है और वो फाइट इससे भी खतरनाक होने वाली है, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं क्वीन को, जो कि टेंशन से कहती है, टेंशन तुम इस बार मेरी हाथों से बच नहीं सकते हो। ये कहकर वह टेंशन को फाइट करने की चुनौती देती है। इस पर हम देखते हैं कि टेंशन भी इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद क्वीन रेंक्सु टेंशन पर अपनी एथ स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने लगती है। वही दूसरी तरफ टेंशन इस अटैक का सामना बहुत ही मुश्किल से करने लगता है और उसकी अटैक से खुद को बचाता है। तभी टेंशन क्वीन रेंक्सु के साथ काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे टेंशन ने ठान लिया था कि वो इस बार अपनी पूरी पावर से क्वीन रेंक्सु का मुकाबला करेगा, पिछली बार की तरह उससे नहीं हारेगा। वही दूसरी तरफ क्वीन रेंक्सु भी इरादा बना लेती है कि वह टेंशन को इस बार किसी भी तरह से बचने की मौका नहीं देगी। तभी हम देखते हैं कि क्वीन रेंक्सु टेंशन से फाइट करने के लिए जमीन पर आती है और आते ही अपनी स्वॉर्ड को दो करते हुए टेंशन से फेस टू फेस फाइट करने लगती है और इसी के साथ ही इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि टेंशन पहली बार अपने दोनों हाथों से ट्राइडेंट को पकड़ते हुए क्वीन रेंक्सु पर बहुत ही जोरदार तरीके से अटैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं इस फाइट के दौरान इन दोनों की पावर बराबरी लग रहा होता है। भले ही क्वीन रेंक्सु 99 लेवल तक पहुंच चुकी हो, मगर फिर भी वो डिवाइन लेवल के वेपन का सामना नहीं कर सकती। यदि अगर क्वीन रेंक्सु के पास अगर एंजल गॉड की वेपन नहीं होता तो वह चाहकर भी सी गॉड ट्राइडेंट का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वैसे दोनों की वेपन गॉड लेवल के वेपन होने के कारण ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर ही टक्कर दे रहे होते हैं। तभी टेंशन अपनी सी गॉड ट्राइडेंट के पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए क्वीन रेंक्सु पर अटैक करने लगता है। जब टेंशन उसके ऊपर भारी पड़ता देखकर क्वीन रेंक्सु जल्दी से अपनी बॉडी के साथ अपनी इवल वर्जन को मिक्स कर देती है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है और टेंशन पर काउंटर अटैक करने लगती है। इधर टेंशन क्वीन रेंक्सु के इतनी ज्यादा पावर बढ़ता देखकर अपने मन में कहता है, क्वीन रेंक्सु एंजल गॉड के टेस्ट को कंप्लीट करने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ऐसा लगता है कि वो इस टेस्ट को बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाली है और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि टेंशन बिना रुके क्वीन रेंक्सु पर वन बाय वन अटैक करता है। इसकी अगली सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट कंप्लीट हो चुकी होती है। वैसे इन दोनों के बीच में कौन जीता और कौन हारा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस फाइट को टेंशन ही जीता होगा। वही टेंशन इसी मौका देखकर जंगल की ओर भागने लगता है। इधर क्वीन रेंक्सु दोबारा से टेंशन से हारने की वजह से बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। वैसे पिछले फाइट के दौरान भी वो टेंशन से हारी थी, इस बार भी हारने की वजह से उसे टेंशन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है। तभी उसे लगता है कि वो इस तरह से टेंशन को नहीं हरा सकती है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द गॉड बनना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो टेंशन के पीछा नहीं करती, सीधा एंजल पोर्टल से होकर एंजल पैलेस में आ जाती है, जहां पर आते ही उसकी तीसरी टेस्ट कंप्लीट हो जाती है और वो तुरंत ही एंजल गॉड में बदलने लगती है और वो ह्यूमन से बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर फाइनली एंजल गॉड बन जाती है। इधर क्वीन रेंक्सु को पता था कि टेंशन उससे भागकर और ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसीलिए वो टेंशन से बदला लेने के लिए वहाँ से स्टारडू फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ती है। इसकी अगले सीन में हमें बिबडोम को दिखाया जाता है, जो कि वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि क्वीन रेंक्सु अब एंजल गॉड
बन चुकी है। ये सुनकर के बिबडोंग घबराते हुए कहती है, नहीं यह इम्पॉसिबल है, क्वीन रेंक्सू इतनी जल्दी एंजल गॉड कैसे बन गई? अगर मैं भी समय रहते गॉड बन गई, तो मैं स्वाभाविक रूप से इस दुनिया को एक गिफ्ट दूंगी और इस पूरे दलू कॉन्टिनेंट में मुझसे लेकर हर एक चीज पर केवल मेरा ही राज चलेगा। और इतना कहते ही बिबडोंग गुस्से में अपनी पावर को अनलेस करने लगती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं टेंशन को, जो कि वहाँ से बचकर भाग रहा था। यदि अगर टेंशन यहाँ से नहीं भागेगा तो क्वीन रेंक्सू फिर से उसकी पीछे पड़ेगी, इसीलिए वो अपनी ओरा को छुपाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी टेंशन को एक पावरफुल ओरा का महसूस होने लगती है और उनका सी गॉड मार्क चमकने लगती है। जैसे ही टेंशन कुछ आगे जाता है तो उसके सामने अगले ही पल क्वीन रेंक्सू अपीयर हो जाती है। तो ये देख कर टेंशन समझ जाता है कि क्वीन रेंक्सू अब फाइनली गॉड बन चुकी है। और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर यही पर कंप्लीट हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।